वेलकम टू बिजी लाइफ स्टडी। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज चला रहे हैं हम फ्रॉम जीरो लेवल, जिसके अंतर्गत हम करंट अफेयर जनवरी 2023 से लेकर 2024 अभी तक के सारे करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। और आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, इनफैक्ट अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यहाँ वही करंट अफेयर हम चुन के लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे, नोट्स मैं आपको सेम वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करते चलेंगे कि इस पर्टिकुलर करंट अफेयर से आपके किस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दोबारा आपको अपना वक्त इस पर्टिकुलर चीज़ों को समझने और याद करने में आपका वक्त बर्बाद ना हो। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे असम में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन के बारे में, और पीछे मैंने आपको परिसीमन के एक डेफिनेशन भी लिखवाई थी। अगर आपने मेरे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको ज़रूर जाकर उसे विजिट करना चाहिए, ताकि आपको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको वो डेफिनेशन लिखवाती हूँ, ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक बार फिर से मैं बताऊँ आपको कि असम में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, हमारा करंट अफेयर है, और इस करंट अफेयर से हमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो पहले तो आसाम के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, क्या होता है, उसके बारे में पूछी जा सकती हैं, और परिसीमन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिसीमन क्यों ज़रूरी है, परिसीमन हर कितने सालों बाद किया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हो तो छोटी से छोटी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आप जब लिखें तो आप एग्जांपल दे सकें। लाइक मान लीजिए आप अभी किसी पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपको जब आपका मेंस का पेपर आएगा और कुछ चीज़ें मान लीजिए आपके परिसीमन से रिलेटेड आती है, तो आप उसमें जिक्र करेंगे अपने करंट अफेयर के कि हाल ही में ये चीज़ें हुई थी, और इससे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा अच्छा और सटीक होगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। हाँ, अब चीज़ों को फिर से हम देखें, कुछ चीज़ें असम के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में और परिसीमन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको परिसीमन की डेफिनेशन लिखवा दूं, हालांकि मैंने अपने उस वीडियो में भी लिखवाया है, पर फिर भी यहाँ लिखवा दे रही हूँ। चलिए, परिसीमन बदलती जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य विधानसभा और लोकसभा सीटों की, अगर सारी चीज़ें, सारे करंट अफेयर अगर आप अच्छे से नोट्स बनाकर लिखते हैं, तो आप इसे एक साल नहीं बल्कि दो साल के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आप इसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके भी इंक्लूडेड रहते हैं, इसलिए मैं कहूँगी, आपसे यही सलाह दूंगी कि कभी भी आपको अपने जो भी करंट अफेयर के आपने नोट्स बनाए हैं उसे कभी फेंकिए मत, कभी कबाड़ में ना डालिए, कभी उसमें भुंजा लपेट कर ना खाएं, सारी चीज़ों को रखिए अगर आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं तो। क्योंकि बीच बीच में आपने उसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके की चीज़ें भी डाली होती हैं, जो आप जब रिवाइज़ करेंगे तो आपकी पकड़ को बहुत अच्छी मजबूत बनाएंगी। प्लस करंट अफेयर ना ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो आप अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, आसपास के लोगों को समझा सकते हैं, और चीज़ें और भी अच्छी बनती चली जाती है। एक अच्छे नागरिक होने के लिए हमें अपने देश की चीज़ों को, स्टैटिक जीकों को और करेंट अफेयर को ज़रूर जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा सीटों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया है। अब इसके पहले की चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं कि संविधान 82 के अनुसार ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे पहले लिखवा चुकी है, तो वो मैं नहीं लिखवाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर अभी तक में बात किया जाए, परिसीमन के बारे में मैंने आपको पिछले भी बताया है, अभी भी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो
परिसीमन क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या बदलती है उस तरीके से कोई भी जगह के जो लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, वो सारी चीज़ों को भी चेंज करने की ज़रूरत होती है ताकि मतदाता इजिली अपना वोट दे सके, वही परिसीमन है। अब देखिए, अभी तक भारत में परिसीमन का गठन कुल चार बार किया जा चुका है, जिसमें से एक है परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत, ठीक है, वो किया गया एक बार। दूसरी बार किया गया आपका कब, तो वो था, तो लिखिए कुल चार बार इसका गठन किया गया है। अब इससे भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं ये कि भारत में कुल कितने बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। ओके, इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुल अभी तक में हमने 4 या 5 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर करंट अफेयर से निकाली है, बाकी पिछली वीडियो में है और ये आपका हो गया। तो कितनी बार किया गया है, 4 बार किया गया है। कब कब किया गया है, एक था भारतीय परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत। ओके, ध्यान रखिएगा, भारतीय परिसीमन आयोग 1952 के तहत एक किया गया, दूसरा किया गया भारतीय परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 में, ठीक है, 62 के तहत किया गया, और ये किया गया 63 में किया गया, और उसके बाद फिर भारतीय परिसीमन आयोग अधिनियम एक हुआ 1972 के तहत। ओके, पारित हुआ इसमें और हुआ इसमें 1973 में, एक साल लगे, तो 3 हो गया। और एक कब हुआ, तो एक हुआ हमारा 2002 में, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा छोटे होंगे या फिर नहीं भी होंगे, तो 2002 में लास्ट परिसीमन आयोग अभी तक में हो चुका है। तो कितने ईयर हो गए, एक 52 में, एक 62 में, एक 72 में, एक 2002 में। ओके, तो इतने आपके परिसीमन हो चुके हैं, 52 62 72 2002। ये हो गया हमारा क्या, भारतीय परिसीमन अधिनियम, आयोग अधिनियम। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि कितने बार, कब कब परिसीमन आयोग का अधिनियम का गठन हो चुका है, और उसमें एक कोई ईयर अगर गलत रहे तो आप उसे ठीक कर सकते हो। ओके, तो 52 62 72 और 2002, 10-10 साल के अंतराल पर आप इसे देख सकते हैं। चलिए, अब देखिए, अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो आपको जाननी ज़रूरी है। वो क्वेश्चन क्या हो सकती है, वो मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ। वो एक क्वेश्चन आपको भी राइट डाउन कर लेने चाहिए अगर आप स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको रिटन चीज़ें लिखनी ज़रूरी होगी। तो क्वेश्चन होगा, परिसीमन क्या है और हमारे देश में नए सिरे से संसदीय क्षेत्रों के लिए परिसीमन क्या फिर से ज़रूरी है, इसके पक्ष में आपको उत्तर देना है या फिर विपक्ष में उत्तर देना है, किसी भी तरीके से उत्तर दें, ये आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और परिसीमन के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। हमने इसे पहले भी पढ़ा था कि संविधान के अनुच्छेद कौन से परिसीमन वगैरह रिलेटेड है। अब परिसीमन का ये जो मसौदा है ये कौन से अधिनियम से पारित हुआ था,
तो ये पारित हुआ था आपका जन प्रति निधित्व अधिनियम 1950। अब यहाँ पे आपके एक और क्वेश्चन बनते हैं, वो ये कि परिसीमन का मसौदा कौन से अधिनियम के प्रावधान के अनुसार तैयार किया गया है। तो वो होगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के प्रावधान के अनुसार इसे तैयार किया गया है। ओके, तो चलिए इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, परिसीमन की स्पेलिंग गलत है, मैं सही कर देती हूँ। बहुत बार, काफ़ी बार ऐसा होता है कि टीचर्स तो अपने जल्दबाजी में चीज़ों की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, लेकिन बच्चे ये ना समझकर सीधा सवाल दाग देते हैं टीचर्स पर ही कि आपने ऐसा गलती कर दिया, वैसा गलती कर दिया। छोटी छोटी गलतियाँ, बड़े बच्चे भी, आप लोग तो बड़े बच्चे हो, पर फिर भी। ओके, तो क्या हम लिख रहे थे, परिसीमन का यह मसौदा, या फिर मसौदा ऐसे भी लिख सकते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के प्रावधान के अनुसार तैयार किया गया है। ओके, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वो हमने देख लिया। फिर आता है अनुच्छेद 170 और 82। अब ये क्या कहता है, यहाँ तो क्वेश्चन हमने देख लिया कि कौन सी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार परिसीमन का मसौदा तैयार किया गया है। तो आप लिखेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। एक तरह से और क्वेश्चन आ सकता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वो रिलेटेड किससे, अगर आपका परिसीमन ऑप्शन में रहता है आप उसे लिख देंगे। ओके, तो दो क्वेश्चन बन गए। अब देखिए, एक आता है अनुच्छेद 170 और एक आता है अनुच्छेद 82 यानी कि 82। अब ये कहता है कि हर राज्य में जो दो, एक आपका विधानसभा है और जो लोकसभा है, तो ये कहता है कि हर राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या और जो राज्य की लोकसभा है उसकी सीटों की जो संख्या है उसका आवंटन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि जो हमारी बारे में नहीं बता देते। ओके, अब बात करते हैं असम की। असम राज्य में अगर बात करें विधानसभा सीटों की तो वो है 126 और लोकसभा जो है वो 14 है, ठीक है। अब जो विधानसभा सीटें हैं उसमें 120 सीटों में से जो 19 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए है और जो 9 सीटें हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए हैं, क्या आरक्षित। अब लोकसभा की बात करें, ये सारी चीज़ें मैं लिखवा दूंगी, पहले समझ लीजिए। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें मैंने बताई, 14, और लोकसभा की इस 14 सीटों में से 2 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं और 1 सीट जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है। हालांकि कहा ऐसा जा रहा है कि जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं उन्हें जितना ज़्यादा हो सके वो उन्हें भौगोलिक रूप से बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सुगठित क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उनके परिसीमन में जितने भौतिक विशेषताएं हैं और संचार की सुविधाएं और लोगों को जितनी चीज़ें इनफैक्ट प्रदान करना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें प्रदान करने की कोशिश की जा रही है और सारी सुविधाओं को ध्यान में भी रखा गया है। ओके, तो इस परिसीमन आसाम में ये जो परिसीमन हुआ
उसमें से हमने इतने पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखा, इतने पर्टिकुलर चीज़ों को जाना। यहाँ पर हमारा ये करंट अफेयर ख़त्म होता है। मैं आपको ये जो तीन चीज़ें मैं आपको समझाई है उसे भी चलिए मैं लिखवा देती हूँ, और उसके बाद हमारा ये करंट अफेयर ओवर हो जाएगा। हम अपने दूसरे करंट अफेयर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक पहले ये लिख लीजिए, असम राज्य में विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या 126 और 14। अब इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए पूरी यही लाइन उठाकर दे दी गई और यहाँ पर 126 के बदले 128 कर दिया गया, तो आपको क्या करना होगा, इसे गलत करना होगा। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं काट कर इसे 126 कर देती हूँ। नेक्स्ट, अब सीटों के बंटवारा के बारे में भी लिख लो। लोकसभा की 14 सीटों में से 2 सीटों को अनुसूचित जनजातियों के लिए। देखिए बच्चों, आपको लग रहा होगा कि मैं एक पर्टिकुलर करंट अफेयर को इतने डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तैयार करते हो ना कि इसके असम हालांग आसाम में ये है वो है किसी तरीके से फलाना क्वेश्चन, उस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक पर्टिकुलर जो भी करंट अफेयर आप कर रहे हो उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। धीरे धीरे आपका आपके सारे एग्जामिनेशन के लेवल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको उस तरीके से अपनी पढ़ाई को भी बढ़ा कर करनी है। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी 19 सीटें, ठीक है। किसमें से, सॉरी ये तो लोकसभा का है ना, लोकसभा की 14 सीटों में से 2 सीटों को अनुसूचित जनजातियों के लिए और 1 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है। और वहीं विधानसभा की बात करें, विधानसभा में एक सीट कितनी है, 126, और इसमें से 19 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है, और वहीं पे 9 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। ओके, ये हो गया आपका। तो इतनी चीज़ें पर्टिकुलर इस करंट अफेयर में हमने पढ़ी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इतनी चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं, अच्छे से समझी है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है आप उसे गलत नहीं करेंगे। हम अपने अगले वीडियो में अगले करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।